हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे वी किचन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली आने वाली है और दीपावली के शुभ अवसर पर सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली के ही अवसर पर हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बेसन के लड्डू बनाना। बेसन के लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये जल्दी से बन भी जाते हैं। त्यौहार के मौके पर बाजार की मिठाइयाँ खाना जल्दी कोई पसंद नहीं करता, तो घर में कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू तो आम तौर पर एक सिंपल से ही बनते हैं, लेकिन आज हम बेसन के लड्डू जो आपके लिए बनाएंगे वो हेल्दी बेसन के लड्डू होंगे, क्योंकि दिवाली के साथ साथ ठंड भी शुरू हो जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे हम ठंड के हिसाब से, मतलब हेल्दी एक बेसन के लड्डू बनाए जाएं, जो कि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम को भी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सके। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं हेल्दी बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जो बेसन लेंगे उसको हमें मेजरमेंट करने के लिए हमें एक नाप चाहिए। तो हर किसी के पास तो वेट मशीन नहीं होती है, तो उसके लिए हमने ये देखिए एक बाउल लिया है और इसी बाउल से हम अपनी सारी चीज़ें नापेंगे, मेज़रमेंट करेंगे। यानी इसी कटोरी से हम बेसन, चीनी और देसी घी हम इसी बाउल से ही मेज़रमेंट करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने ये 3 कटोरी बेसन लिया है। जो कटोरी हमने आपको नाप के लिए दिखाई, ये इसी कटोरी से हमने ये 3 कटोरी बेसन, और ये बेसन हमने घर में पीस के तैयार किया है। और लड्डू के लिए तो आमतौर से थोड़ा सा मोटा सा बेसन चाहिए होता है, लेकिन अगर आप घर पर नहीं पीसते तो आप बाजार में भी उपलब्ध है जो बेसन, आप उससे भी लड्डू बना सकते हैं। तो ये हमने 3 कटोरी बेसन लिया है। फिर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो है चीनी हमने यहाँ पर, और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये चीनी ली है। ये फ्रेंड्स हमने वाइट वाली शुगर ना लेकर हमने यहाँ पर ब्राउन शुगर लिया है। जो ब्राउन कलर की शुगर आती है हम लड्डू में वो डालेंगे। और ये देखिए, ये शुगर को हमने मिक्सी में डालकर पीस लिया है, उसका पाउडर तैयार कर लिया, और इसी कटोरी से नाप के ये हमारा 3 कटोरी शुगर पाउडर है। यानी 3 कटोरी हमारा बेसन, तो 3 कटोरी हमारी पिसी हुई चीनी है। अगर आप ब्राउन शुगर नहीं यूज़ करते तो आप वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, हमें यहाँ देसी घी चाहिए। देसी घी उसी कटोरी से हमें 1 से 2 कटोरी तक घी चाहिए। 1 से 2 कटोरी तक घी, यानी हम थोड़ा थोड़ा देसी घी बेसन भूनते समय डालेंगे और जितना चाहिए होगा हम उसमें, यानी मतलब हमारा 1.5 से 2 कटोरी देसी घी लड्डू में लग जाएगा। फ्रेंड्स, फिर हमें चाहिए ये गोंद है, ये खाने वाला गोंद है, और हम इसे भी, ये हमारा करीब 100 ग्राम गोंद है, या कह लीजिए 1/2 कटोरी। जिस कटोरी से हमने बेसन और चीनी ली उसी कटोरी से ये हमने गोंद लिया है, ये 1/2 कटोरी गोंद है, और इसे भी हम लड्डू में डालेंगे। ये मतलब ठंड में खाना बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारे शरीर को गर्माहट प्रदान करते हैं। फिर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये काजू, बादाम, पिस्ता, हम इन्हें बारीक बारीक काट लेंगे। फिर फ्रेंड्स, ये हमारे पास है खरबूजे के बीज। फिर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून मीठी वाली सौंफ, जो खाना खाने के बाद हम खाते हैं, ये वो वाली सौंफ है, बारीक वाली। और हमने यहाँ से पर ली है 8 से 10 छोटी इलायची, और इन दोनों को हम मिलाकर मिक्सी के जार में डालकर इसका हम एक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमने सौंफ और छोटी इलायची को पीस कर उसका एक पाउडर तैयार कर लिया है। फिर फ्रेंड्स, हमें चाहिए 1/2 कप पानी। तो फ्रेंड्स, आइए हम बनाते हैं हम और आप हेल्दी बेसन के लड्डू। फ्रेंड, सबसे पहले हमने गैस ऑन कर लिया है, और गैस ऑन करके एक हमने ये गहरी बड़ी सी कढ़ाई गैस पे रख दी है, और अब हम इसमें 2 से करीब 2 टेबल स्पून, यानी 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे।
और देसी घी हमारा गरम हो जाए तो हम ये ड्राई फ्रूट्स हल्का सा, हम ये देखिए ये ड्राई फ्रूट्स हमने काट के यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ये घी हमारा गरम हो गया है और अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डाल के हल्का सा भून लेंगे जिससे कि इसका मॉइस्चर निकल जाए, हमारे लड्डू वो जो है क्रिस्पी से रहें। तो हम इन ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, हल्का सा ही भुनेंगे। अब ये खरबूजे के बीज हैं, हम इनको भी इसी में डाल देंगे और ये भी इसी के साथ हमारे भुन जाएंगे। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, थोड़ा या ज़्यादा जितना भी डालना चाहें आप अपनी सुविधा के अनुसार डालिए। मैंने यहाँ पे बहुत ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स काटा है, मैं ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालूंगी बेसन के लड्डू में, जैसे बच्चे को ड्राई फ्रूट्स बच्चों को पसंद होता है तो इस वजह से ये और खाएंगे ये लड्डू को, ड्राई फ्रूट्स होंगे इसमें, बेसन होंगे, प्रोटीन होगा, गोंद होगा, तो ये एक हेल्दी लड्डू हमारा बनके तैयार होगा। फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हल्के हल्के भुन गए हैं और अब हम इनको एक प्लेट में निकाल कर पंखे में ठंडा करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये हमारे खरबूजे के बीज जो है ये फ्रेंड्स ये ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन गए और इन्हें हम ठंडा होने के लिए पंखे में रख देंगे। फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट्स हमने निकाल लिए हमारे भुन गए, अब वापस हम इसमें फिर 2 चम्मच देसी घी डालेंगे, घी हमारा गर्म हो जाए। फ्रेंड्स, घी हमारा गर्म हो गया और अब हम इसमें ये गोंद है, हम ये गोंद डालकर भून लेंगे। हम इसे चलाते रहेंगे गोंद को और ये गोंद देखिए हमारा ये फूलेगा, ये जैसे पॉपकॉर्न फूलता है उसी तरह से ये हमारा गोंद भी फूल जाएगा। हम इसे चलाना नहीं छोड़ेंगे, हम चलाते रहेंगे। ये देखिए ये देखिए ये फूल के खूब वाइट वाइट से हो गए हैं। ये गोंद को भुनने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा हमारा। ये फ्रेंड्स, ये हमारे गोंद भी भुन गए और अब हम इन्हें भी एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने को रख देंगे। फ्रेंड्स, ये गोंद हमारा भुन गया है और ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे मिक्सी के जार में डालकर इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे यानी इसको हम पीस लेंगे। फ्रेंड्स, अब उसी कढ़ाई में हम ये 1 कटोरी देसी घी डाल देंगे। और ये बेसन को हम धीरे धीरे इसी में पूरा डाल देंगे, गैस को हम सिम कर लेंगे और बेसन को हम चलाएंगे। गैस को हम सिम आंच पे ही शुरू में रखेंगे, फिर थोड़ा सा हम मीडियम फ्लेम करके हम ये बेसन को भूनेंगे। गैस हमें तेज नहीं करनी है, हमें बेसन को बहुत ही हल्का हल्की आंच में भुनना है, तेज आंच करेंगे तो बेसन हमारा जल जाएगा, वो भुनेगा नहीं। फ्रेंड्स, देखिए ये बेसन अभी हमारा सूखा सूखा सा है तो हम इसमें ये 1/2 कटोरी देसी घी और डालते हैं, हम इसमें और डालेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे करके हम इसे चलाएंगे। देखिए अब ये आसानी से हमारा बेसन चल रहा है, तो चलाने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि इसमें घी कम था। अब हम इसे फिर सिम कर देते हैं और सिम आंच पर ही बेसन को हम
भूनेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए बेसन हमारा भुन गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू उठ रही है इसमें, सोंधी सोंधी सी। और जब बेसन हमारा भुन जाएगा तो इसकी पहचान ये है कि ये देखिए कढ़ाई में ये ऊपर की ओर उठता है, जैसे दूध फॉल होता है उसी तरह से ये बेसन भी हमारा देखिए ऊपर की तरफ भाग रहा है। और अब हम इसमें गैस को बिल्कुल सिम करके, और ये हमने जो आधा कप पानी लिया था, थोड़ा सा ऐसे हाथों में पानी लेके ऐसे पानी के छींटे इसमें हम लगाएंगे और चला देंगे इस तरह से। ये देखिए हम तुरंत चला देंगे पानी के छींटे लगा के। खूब ऐसे चलाते रहना है। जब ये पिचक जाएंगे, थोड़ा नीचे बैठ जाएंगे, तब हम गैस को बंद करके, ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए ये थोड़ा अब नीचे बैठने लगे हैं, ये दरदरे से हो गए हमारे। गैस को फ्रेंड्स याद ध्यान रखें, गैस को सिम ही करेंगे, तेज बिल्कुल नहीं करना है। और अब हम गैस को बंद करके और इसे एक बर्तन में निकाल कर इसे पंखे में हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स ये बेसन को हमने एक परात में निकाल लिया है और हम इसे ठंडा होने के लिए पंखे में रख दिए हैं और चलाते रहेंगे इसे बीच बीच में। और तब तक हमने ये जो छोटी इलायची और सौंफ को पीसा था हम उसको इसमें डाल देंगे। फिर ये गोंद, ये भुने थे हमने, गोंद को भी हम इसी में डाल देंगे सारा। फ्रेंड्स फिर ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये भी हम इसी में डाल देंगे सब, और हम इसे ठंडा कर लेंगे। जब हम ये बेसन हमारा खूब अच्छे से ठंडा हो जाएगा हम तभी इसमें चीनी मिलाएंगे। अगर गर्म में हम चीनी मिला देंगे तो ये सारी चीनी हमारी पिघल जाएगी और लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि जब ये बेसन हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाए चीनी तभी मिलाएं। फ्रेंड्स ये बेसन ठंडा हो गया है और अब हम इसमें ये पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे सारी हम इसमें डाल के, और खूब अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हाथों की मदद से हम इसको खूब अच्छे से, जैसे आटा गूंथते हैं हम उसी तरह से खूब इसे आटे की तरह गूंथ गूंथ कर इसकी चीनी सारी मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हम फिर इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। फ्रेंड्स ये मिश्रण हमारा बहुत अच्छे से मिल गया है और अब हम इसमें से छोटा सा एक डो लेंगे और हम उसको ऐसे लड्डू की शेप दे देंगे। और ये देखिए इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू बना लेंगे। फ्रेंड्स ये लीजिए बेसन के लड्डू तैयार। हम इसमें ऊपर से काजू लगा के हम इसकी गार्निश कर लेंगे, इस तरह से इस पे काजू लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हेल्दी बेसन और गोंद के लड्डू तैयार है ना, बिल्कुल नए तरीके के से बेसन के लड्डू। तो फ्रेंड्स इस दिवाली और इस विंटर आप सभी बेसन गोंद के लड्डू बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए, और मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपको मेरे ये लड्डू कैसे लगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा और मुझे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे सब्सक्राइब करने के बाद आपके रेड बटन के बगल में ही एक बेल आइकॉन होगा,
उसे क्लिक जरूर करिएगा, जिससे कि मेरी कोई भी नई रेसिपी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये बेसन और गोंद के लड्डू पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, फिर हैप्पी दिवाली आप सभी।